अस्सलाम वालेकुम टू ऑल वाईटी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके लिए गोटी वर्क दुपट्टे के काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलने वाले हैं कि आप किस तरीके से गोटी को यूज़ करके अपने दुपट्टे को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तरीके से आप अपने दुपट्टे को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एक चौड़ी है और एक बारीक गोटी है जिसको इन्होंने डिज़ाइन किया पल्लों पे और फ्रंट पे थोड़ी चौड़ी गोटी के साथ यूज़ किया गया। बहुत ही प्यारा फ्रॉक रेडी है और साथ दुपट्टे को आप कॉपी कर सकते हैं। इसके साथ ये दुपट्टा देखा जाए तो ये चेक स्टाइल में 2 शेड सिल्वर एंड गोल्डन शेड में जो डिज़ाइन किया गया फ्रंट पे गोल्डन गोटी है। अगर इसकी बात करें तो चारों साइड पर गोटी का वर्क है, बहुत ही प्यारा ये भी दुपट्टा है। सिंपल ड्रेस के साथ भी आप गोटी वर्क दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं। हम इस दुपट्टे की बात करें तो बहुत ही प्यारा ये दुपट्टा है, चेक स्टाइल में गोटी का यूज़ है, फ्रंट पे चारों साइड्स पे भी गोटी लगी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है फ्रॉक के साथ। अगर इसकी बात करो तो सिंपल नेट का दुपट्टा है, चारों साइड्स पे बारीक गोटी है, सिंपल ड्रेस है। जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्लेन सिंपल ड्रेस के साथ आप हैवी दुपट्टा बनाएंगे जब गोटी वाला, बहुत ही प्यारा आपका ड्रेस लगेगा। ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर जो दुपट्टा है उस पर गोटी वर्क लेस का यूज़ है जो कि पाइपिंग की तरह होती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कटवर्क गोटी भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि आपके सामने है। इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है लेकिन कटवर्क गोटी लेस का यूज़ किया गया, बहुत अच्छा ये दुपट्टा है और ऑर्गेन्जा का लग रहा है। अगर इसकी बात करें तो ज़िगज़ैग स्टाइल में गोटी का यूज़ किया गया है, बहुत अच्छा ये भी दुपट्टा लग रहा है। इसके साथ अपने इस ड्रेस को भी रेडी कर सकते हैं इस टाइप का। अगर इसकी बात करो तो इस दुपट्टे पर बारीक गोटी और ऑर्गेन्जा में मल्टी कलर दुपट्टा, बहुत अच्छा ये भी दुपट्टा लग रहा है, बहुत नाइस, बहुत यूनिक। पल्लू पे टसल्स लगे हुए हैं, आप आसानी से इस टाइप के दुपट्टे रेडी कर सकते हैं। कि आप लोग जानते हैं कि हमें अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए लेसिस, पाइपिंग, टेसल्स या इसके अलावा लूप्स लेसिस या जॉइंट लेसिस गोटी का यूज़ करना पड़ता है। मोस्टली हम लोग हैवी ड्रेसेस के साथ सिंपल दुपट्टा बनाते हैं, इसी तरीके से लाइट ड्रेस के साथ हैवी दुपट्टा बनाते हैं। और हैवी दुपट्टा बनाने के लिए हम गोटी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये चेक स्टाइल में गोटी है और नीचे टेसल्स बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फैब्रिक के रेडी किए गए, साइड पर चारों साइड्स पर गोटी वर्क है। गोटी को लगाने के लिए भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, यानी कि चारों साइड्स दुपट्टे पे भी हम गोटी लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको चेक स्टाइल में लगा सकते हैं या दुपट्टे पे लाइंस की तरह वो उसको लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हम किस तरीके से गोटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने दुपट्टे को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट शेड में टिशू का यूज़ कर सकते हैं उसके पल्लू को रेडी करने के लिए और चारों साइड्स पर गोटी लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आइडिया इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है कि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको पहुँच सके। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को किस टाइप की ड्रेसिंग पसंद है या किस टाइप के दुपट्टे करना पसंद है, मतलब दुपट्टा आप करते भी हैं कि नहीं करते, और जो लोग करते हैं उनको किस टाइप के दुपट्टे पसंद है, सिंपल या हैवी। मतलब हैवी दुपट्टों के लिए गोटी वर्क बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत यूनिक सी लुक आती है। मोस्टली लोग मेहंदी पे अपने दुपट्टे या अपने ड्रेसेस पे गोटी लगाते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि अपने सिंपल ड्रेस पे शरारा गरारा बनाकर या शॉर्ट सी कुर्ती के साथ दुपट्टे के ऊपर गोटी वर्क की लाइनिंग की जाए, बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, हमें आप इस वीडियो से अंदाज़ा हो सकता है कि हम अपने ड्रेसेस को किस टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं या किस तरीके से अपने दुपट्टे को डिज़ाइन कर सकते हैं या किस टाइप की लेसिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि डिफरेंट ऑर्गेन्जा का यूज़ करके आप अपने दुपट्टे को रेडी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये भी ऑप्शन है। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ऊपर ऑर्गेन्जा है, मिड में टिशू है और नीचे गोटी का यूज़ है, बहुत ही अच्छा ये भी दुपट्टा लग रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये भी बहुत नाइस है, इसके दुपट्टे और नीचे प्लाजो पर गोटी का वर्क है। अगर इसकी बात करें तो एमन मीनाल बहुत ही प्यारी ये एक्ट्रेस हैं, कि भी कमेंट में बताइएगा कि किन किन की ये फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं। इसके अलावा इनके दुपट्टों पे भी गोटी जो है किरण यूज़ है, बहुत ही अच्छी लग रही है, ये भी दुपट्टा गोटी वर्क है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को गोटी वर्क करना आता है कि नहीं आता, या आप लेसिस का यूज़ करते हैं मेरी तरह। इस तरीके से आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गोटी को लाइन्स की तरह भी दुपट्टे पर यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपको मिल गया। इसके अलावा अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको पहुँच सके, और कमेंट में बताना मत भूलेगा कि आप लोगों को किस टाइप की ड्रेसिंग पसंद है या किस टाइप की नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को चाहिए। और इसके अलावा ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों का कलर कौन सा फेवरेट है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको पहुँच सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।